अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीकर में भी योगाभ्यास के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने भी योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में योग को अपनाना चाहिए। भारत के पास वो संपत्ति है जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, और उस संपत्ति का उपयोग हम योग और आयुर्वेद के रूप में करके कोरोना को हरा सकते हैं। तो योग दिवस के अवसर पर मैं सभी भाइयों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। इस अवसर पर मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। चार बजे स्टार्ट करता हूँ और चार बजे से 7-8 किलोमीटर मैं वॉक करता हूँ फार्म के अंदर में, और उसके बाद में 1-1 किलो के मैं दौड़ लगाता हूँ। उससे स्टेमिना का उसका पता लगता है, और ये मैंने साइकिलिंग से, संग से, दौड़ से, इन सब से देखा कि आपकी स्टेमिना कैसे बढ़ती है। अभी पहले ये होता था कि मेरी सांस फूलने के बाद में आधे घंटे तक मुझे सांस नहीं लिया जाता था। अभी इतना हो गया है कि मैं 1 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूँ, मेरे 10 से 15 सेकंड में मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, और फिर दोबारा से तैयार होकर मैं 1 किलोमीटर का फिर वॉक करके फिर मैं दूसरे 3 किलोमीटर में फिर दौड़ लगानी शुरू कर देता हूँ। ये है डेली प्रैक्टिस का फ़ायदा।